Hey guys, welcome back to the new video. So Dark Devil is here. सबसे पहले आप सभी को Happy New Year 2022 आ चुका है यार भाई, मतलब 2021 तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, इतनी जल्दी निकला है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 ऐसे गेम्स जो सबसे ज़्यादा खेले गए हैं 2021 के अंदर, जो थोड़े डिफरेंट से हैं। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा भाई ये गेम रैंकिंग कर गया कैसे सारा ये तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग से होने वाली है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, 2K सब्सक्राइबर्स करने हैं चैनल के ऊपर जल्दी जल्दी, तो नए बंदे हो सब्सक्राइब कर देना, नई बंदी भी हो तो भी सब्सक्राइब कर देना, 2K करना है मेरे को कुछ नहीं बताया, सब्सक्राइब करो तुम बस, वो जो लाल वाला बटन है उसको ग्रे बना दो, कुछ भी मत करो। और पुराने हो तो लाइक कर दो, नए भी हो तो लाइक करना कंपलसरी कर दो बीच। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इट स्टार्टेड, सो लेट्स बिगिन इन द वीडियो। सो गाइस वैसे तो वीडियो टॉप 10 गेम्स की ही है, लेकिन आपका फेवरेट गेम, मोस्ट ऑफ लोगों का फेवरेट गेम 11th नंबर पर रैंक कर रहा था, मैंने सोचा इसको भी ले लो। तो इस गेम का नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी, जिसकी iOS पर रैंक आई है 16 और मोबाइल पर भी रैंक आई है 16। तो जो भी प्लेयर्स है कॉन्ग्रेट्स टू हिम। तो उससे पहले नंबर जो रैंक कर रहा है उसका नाम है लॉर्ड्स मोबाइल टावर डिफेंस, जो सबसे ज़्यादा खेला गया है iOS में, तो इसकी रैंकिंग 25 है, लेकिन मोबाइल के अंदर इसकी रैंकिंग है 6th। फिर थोड़ा अपवर्ड जाए तो फिर आता है कैंडी क्रश सोडा, जिसकी आईफोन पर रैंकिंग है 19 और मोबाइल पर यानी कि हमारे एंड्रॉयड के अंदर रैंकिंग आती है 11th। ये है हमारा कैंडी क्रश सोडा, फिर से बता रहा हूँ ये एंड्रॉयड गेम्स की लिस्ट है, मतलब मोबाइल गेम्स की जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर नहीं भी हो सकता है। एंड देन उसके बाद गेम आता है होम स्केप्स, जो इसकी रेटिंग्स हैं मतलब जो रैंकिंग्स हैं वो iOS पर है 5th और हमारे एंड्रॉयड डिवाइसेस पर है 9th। अरे यार ये गेम कैसे रह सकता है यार, इतना हाई डिवाइस गेम 12GB का, इतने अच्छे एनिमेटेड ग्राफिक्स वाला इतना अच्छा गेम कैसे छूट सकता है। तो इसकी iOS पर रैंकिंग आई है 8th और ये एंड्रॉयड पर रैंकिंग करी है 3। काफ़ी सही गेम है यार, नहीं खेला है तो खेलो अगर आप इसको एफर्ट कर सकते हो तो। फिर आता है हमारा कॉइन मास्टर, ये गेम मैंने लिटरली 2018-19 में बहुत खेला है और इस साल इसकी रैंक आई है अपने आईफोन्स के ऊपर 7th एंड एंड्रॉयड पर आई है 3। मतलब अभी भी गेम यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेला जा रहा है ये वाला गेम, जो काफ़ी एक कंसेप्शनल गेम है। एंड देन उसके बाद आता है पोकेमोन गो, जिसकी iOS पर रेटिंग्स आई है 3 और हमारे मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर आई है 7th यानी कि हमारे एंड्रॉइड्स के ऊपर। इस लिस्ट की नंबर 3 पे जो गेम है इसका नाम है गरेना फ्री फायर, इसकी iOS पर रैंकिंग है 3, मोबाइल पर रैंकिंग है 2 और ये जो लॉकडाउन है इससे इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये रैंकिंग कर रहा है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के अंदर इस लिस्ट के अंदर। अब आता है इस लिस्ट का सेकेंड नंबर का गेम जो सबसे ज़्यादा खेला गया है iOS के अंदर, नंबर 1 रैंकिंग है iOS के अंदर और नंबर 5th रैंकिंग है, और इस गेम का नाम है रॉबलॉक्स, जो बहुत ज़्यादा खेला गया है लाइक स्क्विड गेम के टाइम पे और बहुत से इवेंट्स के टाइम पे इस गेम को खेला गया है। सो हु इज़ द नंबर 1, तो नंबर 1 गेम का नाम है कैंडी क्रच सागा, जो iOS पर रैंकिंग है 2nd और एंड्रॉयड डिवाइसेस पर रैंकिंग है इसकी 1st। सो गाइस होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो चल के तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना, हमको 2K सब्सक्राइबर्स करने हैं चैनल के ऊपर जल्दी जल्दी, तो प्लीज़ जाने बंदे हो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एंड अगेन आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।